इसके बाद बताऊंगी कि उत्तम कंक्रीट जो है उसे तैयार करने की प्रक्रिया क्या क्या है। तो पहले हमने मेन हेडिंग में बता दिया था कि उत्तम जो कंक्रीट है उसके तैयार करने की प्रक्रिया क्या क्या है, जिसे कह सकते हैं कि प्रोसीजर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी कंक्रीट। तो सीमेंट कंक्रीट इस प्रकार तैयार किया जाए कि यह सुघट अवस्था में सरलता से वांछित आकार में ढाली जा सके और कठोर होने पर अपनी वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर ले। जो भी इसका कठोर होने का समय है उतने समय तक ही अपनी वांछित सामर्थ्य ग्रहण कर सके। कंक्रीट जहाँ ठोस टिकाऊ व जल भेद होनी चाहिए, वाटर प्रूफ होनी चाहिए और पानी का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सामर्थ्य ग्रहण करने के बाद ठोस होना चाहिए, सॉलिड हो और टिकाऊ हो, ठीक है, ड्यूरेबल हो कि काफ़ी दिनों तक कंक्रीट का अगर निर्माण कर रहे हैं तो वो काफ़ी दिनों तक चले। वहीं इसका उत्पादन व्यय भी न्यूनतम होना चाहिए। जब आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो इसका उत्पादन व्यय भी न्यूनतम कम से कम होना चाहिए कि कम से कम खर्च में आपकी कंक्रीट वर्क हो जाए। उसके बाद इस उद्देश्य के लिए जो है इनका घटकों कंक्रीट के उत्तम कंक्रीट तैयार करने की प्रक्रिया किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है इसके बारे में बताऊंगी। तो जो है उत्तम कंक्रीट तैयार करने के लिए आपका पहला होता है जो प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप है घटकों का चयन, और दूसरा होता है अनुपातन, तीसरा होता है जल सीमेंट अनुपात और चौथा होता है कंक्रीट की संक्रियाएं, जो हमने शुरू में ही आपको हेडिंग में बता दिया था। तो उत्तम कंक्रीट में तैयार करने की प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेप हमने बताया था कि घटकों का चयन। तो घटकों के चयन में आइए देखते हैं कि क्या क्या है। तो घटकों के चयन में बताऊंगी कि जो कंक्रीट के लिए ISI मार्क का सीमेंट प्रयोग करना चाहिए, और जो भी कंक्रीट के सारे मटेरियल है सबको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लेना चाहिए, और उसके बाद जो भी कंक्रीट के सभी जैसे महीन मिलावा हो गया, सीमेंट हो गया या मोटा मिलावा हो गया, उपयुक्त साइज में लेना चाहिए, माप में लेना चाहिए, आकार में, ग्रेड में, और सारे ISI मार्क के होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके हो गए कि कंक्रीट के घटक, सभी घटक जो हैं भारतीय मानक विशिष्टियों के हिसाब से ही लेना चाहिए, जो भारतीय मानक विशिष्टियों में दिया हुआ है कि यही साइज लेना है, ये माप लेना है, इतनी ही साइज मोटे मिलावे का होना चाहिए, इतनी साइज गिट्टी की होनी चाहिए, मोटे मिलावा का होना चाहिए, महीन मिलावा का होना चाहिए, वो भारतीय विशिष्टियों के हिसाब से लेना चाहिए। तो उत्तम कंक्रीट तैयार करने की प्रक्रिया में पहला आप देखे थे घटकों का चयन, और दूसरा है उत्तम कंक्रीट तैयार करने की प्रक्रिया में अनुपातन। तो अनुपातन के बारे में बताऊंगी कि कंक्रीट की वांछित सामर्थ्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न घटकों का अनुपातन स्वीकृत विधि से करना चाहिए। गलत ढंग से संघटकों को मिलाने पर कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित होती है। तो अनुपातन कैसे करना चाहिए कि जो एक्यूरेट स्टैंडर्ड के थ्रू घटकों का अनुपातन करना चाहिए, ठीक है। जो भी भारतीय मानक विशिष्टियों में दिया हुआ है उसी के हिसाब से आप अनुपातन करेंगे कि सीमेंट क्या लेना है, एग्रीगेट कितनी क्वांटिटी में लेना है वेट में, और जो भी उसका प्रोसीजर हो मेज़र करने का, तो इस तरीके से अनुपात करते हैं। तो ये हो गया अनुपातन। अगला होगा कि अगला है इसमें जल सीमेंट अनुपात उत्तम कंक्रीट तैयार करने की प्रक्रिया में। अगला जो है हेडिंग है जल सीमेंट अनुपात। तो जल सीमेंट अनुपात में बताऊंगे कि जो कंक्रीट का सामर्थ्य सीमेंट में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। तो कम जल सीमेंट अनुपात उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट बनाता है,
परंतु कंक्रीट की सुकरता स्वीकार्य नहीं होती है। जब आप पानी कम डालेंगे तो अच्छी कंक्रीट बनेगी। अब जब पानी कम ज़्यादा डालेंगे तो कंक्रीट सुकर तो होगा लेकिन उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो पानी ज़्यादा हो गया तो सुकरता बढ़ जाएगी और पानी कम हो रहा है तो सुकरता घट जाएगी। लेकिन क्वालिटी कैसे होगा? क्वालिटी बिल्कुल उल्टा है। पानी ज़्यादा होगा तो क्वालिटी घट जाएगी और पानी कम होगा तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये होगा जल सीमेंट अनुपात, यानी कि जल डिपेंड कर रहा है कि कंक्रीट की क्वालिटी कैसी होगी। अगला आपको बताऊंगी कि कंक्रीट संक्रियाएं। तो कंक्रीट संक्रियाओं में बताऊंगी कि कंक्रीट के विभिन्न घटकों को मिलाने, सुघटे कंक्रीट के वहन, फर्माबंदी, बिछाने, कुटाई, तराई करने आदि कंक्रीट आदि सभी प्रक्रियाएं संबद्ध तथा उचित ढंग से संपन्न करनी चाहिए। जैसे कि ये सब सारी चीज़ें किस में आएंगी? कंक्रीट की संक्रियाएं में। क्या है कि फर्माबंदी हो गया और बिछाना हो गया कंक्रीट को, कुटाई करना जिसे डैम्पिंग कह सकते हैं, और तराई करना क्यूरिंग। ये सारी चीज़ें क्रमबद्ध ढंग से होनी चाहिए और समय के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुटाई की ज़रूरत है और अभी तराई करने लगे, फर्माबंदी की ज़रूरत है और कुछ और करने लगे। तो सारी चीज़ें क्रमबद्ध होनी चाहिए और उचित ढंग से होनी चाहिए और समय के अनुसार होनी चाहिए कि ये पता होना चाहिए कितने दिन तक कुटाई करनी है, कितने दिन तक तराई करनी है, क्या टाइमिंग है, क्या उपयुक्त समय है। तो इस तरीके से आपकी कंक्रीट की